राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब कहते हैं, ये धागा है प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर मिले नहीं और मिले तो गांठ पड़ जाए। अब अर्जुन सर्जुन को पता लग गया कि गांठ तो पड़गी, तब बहुत रोए, नो बोले जी कुछ भी करो हम घनी गलती बन गई, हम तो दुष्ट आत्मा हैं, ये परमात्मा दया करो हम पापियों का, इससे जन्म उद्धार हो जाए। परमात्मा बोले रहे उद्धार तुम न करने का काम तो ना छोड़ा, पर करते हैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था। ओरा न ता का माफी भी ना मांगी नकलिया ने, उन दो ने माफी मांगी। तब कहा बेटा इस शरीर से तुम पार नहीं हो सकोगे अब मेरे इस जीवन से जो मैं यहां आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर दोष घना गर्भ गया, पर कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा फिर आऊंगा और दिल्ली से 30 मील की दूरी पर पश्चिम की ओर एक गांव में मैं अपनी आत्मा भेजूंगा और उस आत्मा को मैं आकर मिलूंगा। एक अच्छी आत्मा का वहां जन्म होगा जो युगों युगों से भक्ति करती आ रही है, और उसको मैं आऊंगा, आदेश दूंगा नाम देने का, तुम उससे नाम लेकर के अपना कल्याण करवाना। कि उन्होंने अर्जुन सर्जुन ने कहा प्रभु आज अब हमारी लगभग 30-35 साल की उम्र होगी, और कब वो दूसरे कब आना होगा आप जी का? परमात्मा ने कहा लगभग 150-200 वर्ष के बाद आऊंगा। हे भगवान हम कैसे, हे भगवान हम क्या हम तब तक रह पाएंगे, क्यों मेरा काम है तुम्हारा नहीं। तो अर्जुन सर्जुन का लगभग 225 वर्ष तक का आयु रही। तो जब वो वृद्धावस्था निकट सी आई उनके वो समय सा, तो यहाँ खरखोदा के पास एक अमायूपुर गांव है, सोनीपत खरखोदा रोड पर। उस अमायूपुर गांव में आगे यानी दिल्ली से लगभग 30 मील पश्चिम का हिसाब सा ला कर वो वहाँ आगे, वहाँ कोई अच्छा भगत था, कोई पुण्यात्मा थी, उनके घर पर आकर ते वृद्ध गणे हो गए। तो एक दिन स्वप्न में अर्जुन को दिखाई दिया कि वे सतगुरु आए हैं, और वहां कोई छुड़ानी गांव में वो हंस आए हुए हैं उस परमात्मा के, उनको कबीर जी आकर मिल चुके हैं और मुझे कहा है कि तुम वहां जाओ और अपना कल्याण करा लो। अर्जुन को भी ऐसे दिखे स्वप्न में और सर्जुन को भी ऐसे दिखे। दोनों ने सुबह उठते अपना अपना वो स्वप्न बताया, बात पक्की होगी कि वे भगवान आ लिए। तो जिसके वहां रहा करते थे उससे पूछा कि भाई छुड़ानी गांव है कोई आसपास? उसको पता नहीं था क्योंकि पहले कन्वेंस इतनी थी कोई ना, और वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर हमायूपुर से सांपला 50-60 किलोमीटर तो होगा ही होगा, वहां से खरखोदा से सांपला, सांपला से फिर जज्जर की रोड की साइड में बादरगढ़ के आसपास आगे चल के। तो उसने अता पता करके इधर उधर से किसी से पूछा तो पता लग गया कि छुड़ानी गांव है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने उस जिसके वहां रहा करते थे वो 5-4 वर्ष से वहां आए थे, उससे कहा भगत आपने हमारी बहुत सेवा की है, एक रजा और कर दो, हमें छुड़ानी गांव में भिजवा दे, फिर तेरा काम पूरा हो गया भगत। अब उसने रेडू अपना रेडू जोड़ा, रेडू होता एक तांगे के सा, आम आदमी को नहीं पता लेकिन हम किसान परिवार में जन्म था होने के कारण रेडू होता है एक छोटी बैलगाड़ी, उसमें व्यवस्था की उनको वहां से लेकर वहां पहुंचे
और वहां जाकर के पूछा गरीबदास जी का घर कौन सा है, क्योंकि गरीबदास नाम है उनका बताया था। तब गरीबदास जी ने कहा भी ठीक है, परमात्मा का आदेश है, तुम उपदेश ले लो। दोनों ने उपदेश लिया और कहा हम तो भगवान भी यही रहेंगे गुरु जी आपकी शरण में, और आप दया करो हमारा पीछा छूट जाए। तब अर्जुन और सर्जुन वहाँ 5-6 महीने रहे, साल डेढ़ साल जैसा अपना जीवन मालिक की दया से, और अपनी वो भक्ति की, तब उनका छुटकारा हुआ। चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख का मेल था, दोरे सतगुरु पाए। अर्जुन सर्जुन ठहरे सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहां ना बैठियो ये द्वारा है नीच, ऊंच नीच में हम रहेंगे हाड चाम की दे। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो सब स्नेह। अब इस प्रकार मालिक ने उनका उद्धार किया, और वो 64 लाख जो गुरुद्रोही हो गए वो तो गए काम थे। गुरुद्रोही हुआ था कमाल नाम का, वो लड़का जो मुर्दा किया था जिंदा, उसकी तो फिर बहुत दुर्गति हुई। और बाकी जो आप और हम आज जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, आप वही हो जो कसी में विद के थे। अब कोई मध्य प्रदेश में पटक रख्या काल में, कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में है, और कोई राजस्थान में, और कोई पंजाब में, कोई हिमाचल में। अब परमात्मा हाय हाय कितने दयालु हैं दाता। अब क्या करते हैं मालिक, जैसे कोयल होती है, कोयल कोयल अपने अंडे अलग से नहीं उत्पन्न करती, कोई घोंसला बनाकर अलग से व्यवस्था नहीं करती, क्योंकि वो काग उसके अंडों को खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कि जब मादा कौवी ने कहीं अंडे दे रखे हों, अंडे उत्पन्न कर रखे हों, तो वो भी कोयल जो है उसके, जब वो कभी बाहर गई हुई हो मादा कौवी अपना कोई चुग्गा आहार करने के लिए, पीछे से उस मादा कौवी के कौवे के उस आलने में घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। पहले दो उसके होते हैं कौवे के, दो कोयल के, पर वह पहचान नहीं पाती कौवी। तो आकर के वो मादा कौवा उन चारों को ही से लेता है, उन चारों को ही परिपक्व कर देता है, चारों में बच्चे निकाल देता है। फिर वो बच्चे उड़ना सीखते हैं, कोयल दूर बैठी देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, दूर बैठकर वृक्ष पर अपनी बोली बोलती है, कुहू 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 करती है। अब कोयल वाले बच्चे फड़क कर देखते हैं, क्योंकि उस बोली को वही परख लेते हैं, उन्हीं को कसक है उस बोली की। और वो दोनों के दोनों उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, वहां से वो कोयल फिर आगे चल पड़ती है, कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है, और वो बच्चे उस आवाज पर आकर्षित होकर उसके साथ साथ दूर चले जाते हैं। वो कौवी उसके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए, वो तो चले जाते हैं दूर, तो वापस आ जाती है कहीं पीछे वालों को कोई खतरा ना हो जा, गए सो गए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आप जी को ऐसे उत्पन्न कर रखा, काल के लोगों में ही, काल के पुजारियों के घरों में ही आप जी को उत्पन्न कर रखा था। पहले तो आप उस कौवे के बच्चों की तरह ही सब चाल चल रहे थे, अब आप जी ने ये कोयल की बोली पकड़ दी, परमात्मा की वाणी को पहचान लिया, और इस पुस्तक के माध्यम से भक्ति सौदागर को संदेश या ज्ञान गंगा ये एक ही हैं, और टीवी चैनलों के माध्यम से आप जी ने यह वाणी कुहू कुहू की आवाज आपके हृदय में घर कर गई, इसको सुनकर आप यहाँ उड़ आए, यहाँ पर आ गए, अब आप परमात्मा के बच्चे हो गए। तो ऐसे ही इस परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने के लिए कितने व्यवस्था करनी पड़ती है। अब क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास,
गेल गेल लाग्या फेरू जब तक धरती आकाश। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। ओए होए कहते ही ज्ञानहीन प्राणी संत भक्तों के साथ तो बकवाद करते हैं और उन नकली गुरुओं के चेले बने बैठे हैं, उन तराजी खुशहाल बैठे गां पूरा गुरु मिल गया हमने जी ने कह कहेगा बिना मेरा। और कहते हैं ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल है। आप हो वो युगन युगन के माल है। आज तो 600 वर्ष पहले मालिक आए जब आपने खूब खुराक खिला गए, आपको पहलवान बना गए इस भक्ति का। अब वही आपकी बैटरी चार्ज हुई हुई 600 वर्ष पहले आप जी 64 लाख तो मालिक के चरणों में थे, वो तो इब आवे आवेंगे पार भी होंगे इब के। इसके अतिरिक्त और भी बहुतों को अच्छी आत्माएं और भी बहुत है जो तड़प रही है परमात्मा के लिए, फंसी बैठी है नकली संतों के पास, और वो आगे तो और शीघ्र ग्रहण करेंगी वो भी, क्योंकि सब ने भगवान चाहिए। तो आप जी का तो नंबर पक्का है, कैसे सच्चे दिल तक आखिरी सांस तक भक्ति करते रहे लगे रहे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, सो काल झक झोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। ये फार्मूला पार उनका, छोटी मोटी आपदाएं भी आप पर आती नजर आवे तो भगवान के इस स्थान को नहीं छोड़े, इस नाम ना नहीं छोड़े, चाहे कितने झटके पटके काल के लगते दिखे। देखो जो मजबूत वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं बाग के, कितनी आंधी चाल को धरती में पटक पटक कर मारती पर टूटते नहीं। अब पीछे इस दास के साथ यही हुआ था, इन झूठे नकली आचार्यों ने जनता को भ्रमित किया और सरकार को भ्रमित करके ऐसा तूफान छोड़ दिया कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इतने मजबूत पेड़ बना दिए थे, अपने बच्चों को इतना ज्ञान दे रखा था उस दास ने, एक भी नहीं टूटा, टस से मस नहीं हुए, उससे ज्यादा उभर के आए हैं परमात्मा के बच्चे। इस प्रकार पुण्यात्माओं, जैसी लीलाएं परमात्मा कबीर जी के साथ 600 वर्ष पहले उन जालिमों ने की थी, आज उसी की आवर्ती हुई है क्रोधा कांड। पर चिंता ना करो, परमात्मा अपना काम कर रहा है, और वो नकली अपना काम करते आए, उनकी दाल गला नहीं करती। हाँ पहले इतनी दाल जरूर गलगी उनकी कि वो ये कहा करते कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। संस्कृत भाषा में सदग्रंथ लिपिबद्ध हैं और संस्कृत भाषा केवल एक ही वर्ग ब्राह्मण वर्ग जानता था, और ये कहते थे जो ब्राह्मण गुरु पंडित मंडलेश्वर ऋषि महर्षि जो ज्ञान देते ये सही है, क्योंकि इन्होंने वेदों गीता और पुराणों को पढ़ करके ये ज्ञान दिया है। आज वही वेद, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद भगवद गीता, पवित्र पुराण, आज परमात्मा की 600 वर्ष बोली उस अमृतवाणी का समर्थन दे रहे हैं। तो अब आप आसानी से परमात्मा को पहचान पाओगे। एक रामानंद नाम का बड़े महापुरुष थे, ऋषि थे, चारों वेदों और गीता जी के बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, 1400 ऋषि, और वो उनके द्वारा जैसा भी महर्षि रामानंद जी ने जैसा भी निष्कर्ष वेदों गीता पुराणों का निकाला था, उसी ज्ञान को, उस खचड़े ज्ञान को वो 1400 ऋषि प्रचार किया करते थे। फिर कबीर परमात्मा जी उनसे मिले, उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया, फिर परमात्मा को पहचाना। उसके बाद रामानंद जी ने 84 शिष्य और किए थे, 1484 शिष्य हो गए थे कबीर जी समेत, रविदास जी समेत, और फिर बाद में रविदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था जब ज्ञान सही हो गया था। एक समय की बात है कि रामानंद जी ने 1400 जो शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण,
उनमें से एक व्यक्ति, एक ऋषि कहीं अपने उनके अक्षेत्र बांट रखे थे, वहां सत्संग कर रहा था, प्रवचन कर रहा था, और महर्षि रामानंद जी पंडित वर्ण में थे, पंडित जाति से थे, और वो छुआछात बहुत ज्यादा थी। उसमें छुआछात इतनी थी कि शूद्र को पंडित निकट भी नहीं आने देते थे, कपड़े भी नहीं छूने देते थे, चरण भी नहीं छूने देते थे। तो रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी ने अपने शिष्यों को, 14 से ऋषियों को अलग अलग भी भाग बांट रखे थे। उसमें परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे और रामानंद जी 104 वर्ष के थे, इतनी आयु में अंतर था। तो वो एक संत, एक ऋषि जो रामानंद जी का शिष्य था, रामानंद जी वैष्णव साधु थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। तो विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताते थे, अजर अमर बताते थे, इनका कोई माता पिता नहीं ऐसा कहते थे, ये ज्ञान था उनका। एक विवेकानंद नाम के ऋषि रामानंद जी के शिष्य अपने क्षेत्र में सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में शरीर लीला कर रहे थे, उसके सत्संग में जा बैठे, वहां सैकड़ों श्रोता थे। श्री विवेकानंद जी क्या कह रहे थे कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये तीनों रूप बनाकर, ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप बनाकर पालन करते हैं, शिव रूप बनाकर संहार करते हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है। रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये यही लीला करते हैं स्वयं ही, इनके कोई माता पिता नहीं। जब सत्संग उन्होंने कर लिया तो परमेश्वर कबीर 5 वर्ष के बालक खड़े हुए, कहा स्वामी जी मेरी एक शंका है, आपसे समाधान की इच्छा है। स्वामी जी ने कहा, यानी विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा क्या समाधान है, क्या शंका है, कि आप जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। एक ब्राह्मण देवी पुराण की कथा कर रहा था, 3 स्कंद में वो पढ़ रहा था, मैंने सुना और आप भी निकाल कर देखिएगा। विवेकानंद जी की लाल आंखें हो गई, अरे क्या बोल रहा है तू बालक कमबख्त, तूने ये क्या कहा, अब देखिए स्वामी जी नाराज ना हो। जब देवी भागवत देखा, पढ़ा उसने गुप्त रूप से, तुम साथ रखते थे वो, तो एक गधे का बोझ रखा करते ना बैलों को ऊपर रख के, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। 3 स्कंद, स्वामी जी ने देखा विवेकानंद महर्षि ने नकली ने, 123 पृष्ठ पर देखिएगा, उसमें क्या लिखा है। विष्णु भगवान कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में बोल रहे हैं, उसकी महिमा सुना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है, हम तो जन्मते और मरते हैं, अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी एवं तमोगुण शंकर जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा उस नकली ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो नकली महर्षि विवेकानंद ने पढ़ लिया और देख लिया और कहता है कि कहीं नहीं लिखा ऐसा, ये झूठ बोलता है, देखो रे ये दुल्हाए का बेटा। उन्हें पूछा कि ये कौन है, तो सभी श्रोताओं ने बताया ये धानक दुल्हाए का लड़का है नीरू का, और ये तो जी जहाँ भी जाता है वह ऐसे ही चर्चाएं करता है, इसकी आदत बन रही है लोगों को संतों के साथ छेड़छाड़ करने की। तू कह नगारे, तू कोई अक्सर पढ़ा है कहीं, क्या तेने कोई गुरु बना रखा है, तू कैसे समझ सकता है इन पुराणों को, ये झूठ बोल रहा है, ये कपटी है, तेरी क्या जाति है, कौन है? उसको पता लग गया कि जुलाहे का लड़का है। तूने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा मैंने गुरु धारण किया है। कौन है तेरा गुरु? के जो तेरा गुरु जी वही मेरा गुरु जी। अब वो बेदक गया, अरे देखो क्या कहता है, मेरे गुरुजी पता कौन है? श्री श्री 1008 महर्षि रामानंद जी पंडित, वो तो तुम्हारे जैसे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। देखो रे लोगों, देखो रे जनता, देखो रे स्रोत भक्तों, कितना झूठा कपटी है, इसकी बात सच्ची हो सकती है? अनपढ़ है, शिक्षित है, इसको क्या पता सदग्रंथों के बारे में? कबीर साहब ने कही, जानबूझ साची तजे करें झूठ ते ने, अर्ता की संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। परमात्मा बोले, जानबूझ के साची तजे और यू करे झूठ ते ने, कहते तेरे जैसे के दर्शन तो वो भी ना करने चाहिए। कबीर जी उठकर चल पड़े। तो रामानंद के शिष्य ने उत्तर तो देना आया नहीं क्योंकि वो फेल हो गया, तो अपने चेलों से कहा कि कल आना तुम गुरु जी के पास, इसको लाएंगे पकड़ कर देखना कल इसकी क्या हालत होगी। अपुण्य आत्माओं, अब रामानंद जी के उससे विवेकानंद जी शाम के समय ही पहुंच गया रामानंद जी के पास और कहा, गुरु जी आप हमारी तो नाक काट ली एक धानक के बेटे ने, नीरू जुलाहे के पुत्र ने हमारी नाक काट दी भगवान। वो कहता मैंने रामानंद जी से नाम ले रखा है स्वामी जी से, वो धानक का बेटा, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे पर स्वामी जी कुछ इसका प्रबंध करो, इसका कोई इलाज करो, नहीं तो जनता हमसे बहुत नफरत करेगी, सब शेष हमसे दूर हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग हमें क्या धिक्कारेंगे। रामानंद जी ने सोचा भाई ठीक है, झूठा है वो तो, मैंने कभी नाम दिया ही नहीं। तो रामानंद जी ने कहा कि कल सुबह लाना उसको पकड़ के, ले गया 10 मस्टंडे। विवेकानंद सुबह सुबह 8-10 व्यक्तियों को लेकर पहुंचा वहां कबीर जी के नीरू की झोपड़ी की तरफ। तो वहां पूछ रहे थे कि नीरू का मकान कहाँ है, आंखें लाल सब भी गुस्से में बोल रहे थे। एक भक्त ने और एक माई ने जाके बताया कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया क्या? वो नीरू कहने लगी नहीं तो, कि 9-10 दिन वो आ रहे पंडित और हाथों में लठ ले रखे हैं, आपका घर पूछ रहे हैं। नीरू समझ गई कि कबीर जरूर किता ही ने छेड़का है किसी ने, कबीर जी छेड़का आए हैं और पहले भी कई उलाने आ लिए थे इन ब्राह्मणों के, कि अपने बेटे ने मना कर लेगी हमारी उस कथाओं को जाकर भंग करता है, ऊट पटांग प्रश्न करता है,
हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। माई ने सोचा यू आज फिर छेड़ा यार, आज तो घने उग्र रूप धारण करके आ रहे हैं। कबीर जी को उठाया, सुता के उठ बेटा, तूने किसको क्या कह दिया, तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये तेरे को मार देंगे बेटा, और मैं फिर कैसे जीवित रहूंगी। परमात्मा कहते माँ ये नकली लोग हैं, झूठे कपटी, ये गुमराह कर रहे सारी जनता ने, ये सब मेरे बच्चे हैं है, और मैं साची कहूँ ये मैंने झूठा बताऊ। माई ने बड़ी तरह ऐसा मारूंगी थप्पड़, दादा बन गया तेरे बच्चे हैं सारे, चल तू खड़ा हो ऐसे, और वो आ रहे हैं, और तू बोलिए ना बेटा, झोंपड़ी के पीछे ले जाकर लेटा दिया, ऊपर पुराने कपड़े गुदड़गा बा डाल दिया, तो बोलिए ना बेटा चाहे कुछ भी कहे हुए। अच्छा माता जी, अब वो आ गए इतना मैं उलट लेके, वो कहने लगे कहाँ वो तेरा कबीर। वह माई ने पूछा जी क्या बात होगी, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, मैं धमका दूंगी, मैं पीटूंगी इसको, डंडे मारूंगी, मुझे बता दो। नहीं आज हम ही मारेंगे उसको, झोपड़ी में बढ़ गए जबरदस्ती। वो तो खड़ा बाहर गेट पे, और दो मस्टंडी ले गया था उन्हें पकड़ पकड़ कर सारे उस झोंपड़ी के कुटिया के वस्त्र पटक दिए इधर उधर खोज करने के लिए, कहीं नीचे ना दाव रखा हो या छुप ना रहा हो। चारपाई थी उलट पुलट कर दी, कहा तेरा बेटा, सच्ची बताओ नहीं तो मैं मारेंगे। अब परमात्मा ने सोचा ये मेरी मुंह बोली माता को दुखी करेंगे, खड़े होकर बाहर निकल के गुदड़गा हटा के ऊपर थे, और पीछे खड़े हो गए, कहने लगे ए विवेकानंद आजा झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं। अब उन्होंने तो आवाज सुनी, भाग कर बाहर गए सारे, पकड़ लाए परमात्मा ने। अब उस माई ने कोशिश की अपने बच्चे को छुटवाओ, लिपट गई उनके चिपट गई कतियर, उन्होंने मुक्के मार मार के मुंह पर लागो चाहे कितने लागो लठ मारे उस माई को, काफी दूर तक घिसटती चली गई अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए। बेहोश होगी वो वहां पटक दी ठाक। नीरू को पता लगा, वो भाग्य आया दौड़ा, वो उसने भी बच्चे को छुड़वाने की चेष्टा की, उसका भी कई लठ मार दिए, वो भी गिर गया वहीं पर। उस मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने उन दोनों को उठाकर उनकी झोपड़ी में लटाया। लगभग 2 घंटे में होश आया उन दोनों को। उधर से परमात्मा को लेकर के कबीर जी 5 वर्ष के बालक को रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया, और वहां हजारों की संख्या में वो आगमा उस विवेकानंद के चेले के, तेरी बेइज्जती होगी थी, और इसने ये कहा था कि रामानंद मेरा गुरु है, देखिए आ जाओ भाई तुम, इस झूठे की बात झूठ होगी। तो वहां क्या किया, रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी का आगे पर्दा लगा दिया करटेन, ये दिखाने के लिए मैं इनके दर्शन भी नहीं करता, छोटी जाति वालों के नाम तो बहुत दूर की बात है, शिष्य बनाना तो बहुत दूर है। तो परमात्मा का और रामानंद जी की काफी वार्ता हुई। अब रामानंद जी ने पूछा कि बोल कबीर तू कौन है, इब कैसे बैठा मौन। परमात्मा खड़े होकर क्या कहते हैं, वो वार्ता आपको सुनाते हैं भगवान की वाणी की। आडा पड़दा लाए करे रामानंद बुजंते, दास गरीब कुलंखरी छवि अदुर ढाक कुदंत। आडा पर्दा ला के झोपड़ी का आगे पर्दा ला के अंदर खड़ा है झोपड़ी में, बाहर कबीर जी खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, और इतना गुस्सा हो रहा है नो, कहते हैं वो नो पैर पटक रहा है गुस्से में अंदर। क्या प्रश्न करता है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं में। अब रामानंद जी पूछते हैं तो कौन तेरी जात है, तेरी भक्ति का कौन सा पंथ है, कौन जात कुल पंथ है,
और कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब अधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जैसे गुरु और शिष्य का नाता निभाते हुए गुरु जी गुस्से हो रहे हैं, अच्छी बुंडी कह रहे हैं और परमात्मा करबद्ध होकर के ऐसे खड़े हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथे, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंथे। परमात्मा बोले मेरी जाति पूछता है तो मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को सत्ज्ञान मैं ही देने आया हुआ हूं। और मेरा कौन सा पंथ है, मेरा कौन सा मार्ग है भक्ति का, परमेश्वर पंथ है। ईश ईश्वर परमेश्वर, ईश तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं सर्वपुरुष। और ईश्वर है ये, इससे श्रेष्ठ है जो वो अक्षर पुरुष है, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और परमेश्वर जो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है वो परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सबका मालिक वो परमेश्वर है। कहते मैं उस परमेश्वर का पंथ, वो परमेश्वर वाला पंथ यानी मैं मार्गदर्शन उस परमेश्वर का करता हूं और मैं परमात्मा हूं। अब रामानंद जी ने कहा, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमत तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजन हारे। गरीब दास जी कह रहे हैं अपनी परमात्मा की महिमा बता रहे हैं आंखों देखी। रामानंद जी कहने लगे, ए दुर्बुद्धि तू अपने आप को भगवान कह रहा है, तो साकार दिखाई देता, परमात्मा तो निराकार है, अड़सब की बुद्धि यहां फेल है। किसी से पूछो, विष्णु जी का उपासक है, सामने मूर्ति है, रोज मत्था टेकता है, फिर कहते हैं मैं ध्यान लगाता हूं, परमात्मा देखा है, ओहो परमात्मा तो निराकार हो दिखाई थोड़ा देता है। तो यह कह रहा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भगवान हूं, रामानंद ने कहे दुर्बुद्धि, रामानंद जी कहते ए दुर्बुद्धि बालक तू भगवान कहे अपने आप को, तेरा तो शरीर दिखाई देता है, अर्थात वो कहते भगवान निराकार है। और कहते रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ जब परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर सृजनहार कह दिया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहारे। और कितनी गालियां दे दी, तुम मोमन के पालुआ, तेरा एक जुलाहे के गर्भास और दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास मान बड़ाई छोड़कर, बोलो बालक बैन दास गरीब अधमुखी एता तुम गुठफेन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखर नीच निदान। अब क्या बताते हैं, रामानंद जी गालियां दे रहा है कि इसकी कुजात है, कुजात है यानी ना इसकी माँ का बेरा ना बाप का, अरे वो अपने आप को भगवान कहता है। अब परमात्मा क्या बोले, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आज आधीन। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे ही अधीन है, मेरे ही आश्रित है, मेरे पर आधारित है, पूरे ब्रह्मांडों को मैंने ही रचा है, मैंने अपनी शक्ति से इनको घुमा चला रखा है, स्थिर किया है। और मैं ऊपर रहता हूं अधर सतलोक में, सबसे ऊपर, अधर माने ऊपर,
और मेरा अवगत नाम है अवगत सतकबीर। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्वकला में मैं व्यापक सर्वंग, हम मौला सब मुलक में मुलक हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सब दूसर नाही, हमसे दूसर कछु नाही। मैं रोवत हूं सृष्टि को सृष्टि रोह मोए, गरीब दास इस बिजोग को समझ न सकता कोई। चारों युग में हम फिरे मैं आऊं मैं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाव। गोता लाऊं स्वर्ग में फिर बैठू पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरू अपने हीरे माणिक लाल। अब रामानंद ने सोचा भाई यू बात इसी बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंसली कह रहा है तो तुम्हें गड़बड़ है इसमें। फिर उसने कहा कि थोड़ी देर में बात करूंगा, इसको बैठाओ बाहर। वो मानसिक पूजा किया करता था, मानसिक पूजा क्या करता था, विष्णु जी की मूर्ति बनाता कल्पना से, उसके पुराने कपड़े जैसे उतारता नए पर आता, कर्मकांड होता है कि ये शालिग्राम की पूजा करने वाले ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो उसमें मूर्ति कोई उसके पास नहीं होती थी, वो कल्पना से ऐसा अभ्यास कर रखा था, मन में ही वो विचार किया करता से सपने में क्या करें। तो उसने ऐसे सारे कपड़े उतारे, फिर भगवान की मूर्ति को स्नान कराया स्वप्न में यानी कल्पना से, फिर सभी धोती बांध दी, कुर्ता पहना दिया, तिलक लगा दिया, वैष्णो साधु वाला ऊपर मुकुट रख दिया। उस दिन कंठी ना डालन पाया माला, एक मणिये की माला होती है एक कंठी, जो तुलसी के एक ही मणिया होता है उसकी माला को कंठी बोलते हैं, माला भी कहते हैं उसको, और वो भी डालनी जरूरी होती है क्योंकि वैष्णो साधु की पहचान होती है भगत की, और विष्णु जी के वो होना जरूरी। अब इस कर्मकांड के अंदर एक नियम है कि जिस दिन मुकुट रख दिया उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, और कंठी ना डाली तो अधूरी पूजा, और मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित। अब उसने सोचा कि माला रहेगी, कंठी डालना भूल गया उस दिन, माला डालनी भूल गया, तो सोचा रामानंद जी ने मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट के ऊपर से माला डालने की चेष्टा की जैसे स्वप्न में होया करे। अब वो माला मुकुट में फंस गई, आगे नहीं आ पाई। रामानंद जी बहुत चिंतित हुए, माला वो हाथ में लिए खड़े हैं और कहते हैं भगवान आज मेरा कौन सा दुर्दिन आ गया, आज जीवन में पहली बार मेरी पूजा खंडित हुई है, मैं कितना पापी हूं। रामानंद जी को दुखी देखकर परमात्मा अंतर्यामी है, आगे पर्दा लगा है, कोई मूर्ति नहीं, कल्पना स्वप्न की तरह। बाहर से परमात्मा 5 वर्ष के बालक ने आवाज लगाई कि स्वामी जी इस माला की गांठ खोल ले, इस कंठी की गुंडी खोल कर और फिर गले में बांध दे उल्टिए, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, तेरी पूजा खंडित आपकी नहीं होगी। अब कहते हैं गांव का ज्ञान का तो एक चमका ऐसा लग गया करे, इतने में समझ गया भाई यो आदमी को ना, यो बालक को नहीं, ये तो कोई फरिश्ता देव आ रहा है। वो पड़त कित के मुकुट डाला था, कित के वो कंठी भरा था, वो फेंक दिया आडा जो पर्दा ला रखा था झोंपड़ी का एक तरफ फेंक के। पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। जो समाज को नहीं देखे कहते लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ फगावे। रामानंद जी ने पूरे हजारों की संख्या में ब्राह्मण बैठे थे श्रोता दृष्टा,
यू ना देखे ब्राह्मण के कहेंगे, और ब्राह्मण होकर शूद्र को सीने से लगा रहा है। उसने अपना जीवन देखा और भगवान देखा, ऐसे उस बालक को सीने से लगा दिया। सीने से लगा तो इतना मुलायम शरीर परमात्मा का, क्योंकि उनका तेज पुंज का शरीर था, रूई जितना मुलायम कि तो हड चाम नहीं। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी कबीर परमात्मा की महिमा बहुत ही अच्छी तरह कही गई है। अब रामानंद जी ने कहा हो कि मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेष। अब रामानंद जी कहने लगे आपने मेरी मन की बात बता दी, आप तो परमात्मा हो, और आपको परमात्मा कैसे पहचाने, कैसे आपको समझे ये पोली दंता, किस तवेश भूसा में खड़े धोती बांध के 5 साल का बालक चूल्हे के घर तेरा जन्म तेरी परवरिश, यानी किस वर्ण में, शूद्र वर्ण में, और ऊपर से ये ऐसी वेशभूषा बालक से नजर आ रहे तुम, तो आपको कैसे पहचान सकेगी दुनिया, कैसे पहचाने आप प्रभु हो। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया। तब काफी लंबी कहानी है, थोड़ा सा एंड करते हैं इसका। फिर रामानंद जी और परमात्मा कबीर जी की फिर ज्ञान चर्चा शुरू होती है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी यह अग्रम मग्रम छोड़ दो, अब सत भक्ति कर ले। परमात्मा ने पूछा स्वामी जी आप क्या साधना करते हो, कहते मैं ओम नाम का जाप करता हूँ और विष्णु जी की पूजा करता हूँ, विष्णु जी मेरे इष्ट हैं। आपका टारगेट क्या है, कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने। मेरा उद्देश्य है मैं विष्णु लोक में जाऊँगा, विष्णु जी के वहाँ जो ना विष्णु जी के लोक में दूधों की नदी बहती है, सफ़ेद सफ़ेद वृक्ष हैं, फूल हैं, सफ़ेद धरती है, और बहुत ही अच्छा सुखमय प्लेस है, वहाँ आनंद से रहूँगा। परमेश्वर ने पूछा कि कितने दिन रहोगे वहाँ पर, उस सुख में आप कितने दिन रहोगे विष्णु जी के लोक में। इतना पता था स्वामी जी को रामानंद जी को कि अपने जब तक पुण्य मेरे रहेंगे तब तक मैं वहाँ रहूँगा। उत्तर दिया कि जब तक मेरे पुण्य वहाँ रहेंगे मैं वहाँ रह सकूँगा, फिर कहाँ जाओगे, पता नहीं कहाँ जाऊँगा। फिर वो क्या सुख हुआ आपका, एक दिन तेरे ब्रह्मा जी भी मरेंगे, तेरे विष्णु जी की भी मृत्यु होगी, और यो विष्णु लोक भी नहीं रहे। ओम नाम के जाप से आप ब्रह्म लोक में जाओगे फिर, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी फिर जन्म मृत्यु में है, पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी का भी जन्म और मृत्यु होता है। रामानंद जी समझ गए कि बात तो कटेगी कहे भाई। रामानंद जी ने कहा बच्चा आज तक तो हमने इससे ऊपर कोई स्थान देखा ना सुना, अब मैं कैसे मानूं तेरी बात ने। परमात्मा बोले मना तो मैं लूंगा, जब आप साथ दोगे तो अब बताओ कैसे। बताने लगे सृष्टि रचना सुनाई, कहने लगे बेटा मैं कुकर मानू देखे बिना मेरा पेटा भरा को ना, जब तक मैं आंखों नहीं देखूंगा तेरी बात तो विश्वास आवे नहीं, क्योंकि मैंने झूठे बहुत सुन रखी है, सब ने पता नहीं क्या क्या बता रखा है। रामानंद जी कहने लगे मैं बताऊं, मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और अंदर पहुँच जाता हूँ, बहुत दूर तक मैं मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लाओ, अभ्यासता उसी समय समाधिस्थ हो गए, और परमात्मा करना था काम उसको साथ लेकर गए। ऊपर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं, अब वहाँ त्रिवेणी वो 3 रास्ते हैं, वहाँ खड़ा हो गया। परमात्मा बोले ईब कहाँ जाओगे स्वामी जी, पता नहीं कहाँ जाऊँ, वैसे
के समाधि टट्टू समाधि जब तक ये नहीं पता जागर गीति तीन रास्ते हो गए अब ये। तो परमात्मा ने कहा कि सामने जो रास्ता है ना ये ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्म रंध्र यहां से खुलेगा, मेरे मंत्र से खुलेगा, तुम्हारे से नहीं खुलेगा, मैं जो जाप करूंगा उससे खुलेगा, सतनाम से। सतनाम सतनाम नहीं, ये दो अक्षर का नाम है। और ये लेफ्ट वाला जो रास्ता है ना, ये वाला, ये है तेरा रास्ता, तेरी पूजा का, विष्णु जी की उपासना का। यहां इस साइड में जाओगे, आगे सबसे पहले धर्मराज का लोक आओगा और वहां तुम्हारे सब अकाउंट देखे जाएंगे गिचड़ी खोल के, कितना कितनी तुम्हारी पूजा है, कहाँ की है। उससे आगे फिर आपको अपने अपने जिस भी इष्ट की साधना की वहां अपने ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। और ये रास्ता ऊपर सतलोक को जाएगा, ब्रह्मलोक पार करके फिर 21 ब्रह्मंडों को पार करके फिर परब्रह्म के लोक को पार करके सतलोक जाएंगे। तो परमात्मा ने लीला की, श्वास उस श्वास से सतनाम सुमन किया, एकदम सामने के वो बद्र, वो सामने का गेट खुल गया मध्य वाला। तब रामानंद जी आत्मा को परमात्मा ऊपर ले गए। वहां जाकर क्या देखा, वहां क्या देखा कि एक दूसरे रूप में परमेश्वर एक तख्त के ऊपर विराजमान है, जो ओवर ऑल कंट्रोलर का सिंहासन है, जो कुल मालिक का वहाँ जो है गद्दी है, तख्त है। वहाँ पर इतना तेजो में शरीर है, सतलोक में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी का सतपुरुष रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप की शोभा है, इससे भी अधिक। तो कबीर जी नीचे से 5 वर्ष के बालक में गए और उस अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा कि सचमुच ये है परमात्मा, ये परमेश्वर है जो तख्त पर बैठे हैं। इस सोच और कबीर जी तो यहाँ के कोई गण होंगे, इतने में वो गद्दी पर बैठे हुए, तख्त पर बैठे हुए परमात्मा खड़े हुए और 5 वर्ष के बालक उस कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजोमय शरीर जो खड़ा हुआ, वो अपने ही दूसरे स्वरूप कबीर बालक पर चौर करने लगा, सेवा करने लगा नौकर की तरह। रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या हो रहा है, ये छोटा सा बालक इसके ऊपर भगवान चौर कर रहा है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु, वो परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा, यानी दोनों मिलकर एक हो गए। अकेले कबीर जी उस सिंहासन पर बैठे हैं और रामानंद जी से कहा कि देखो ये सतलोक है, आप यहाँ रहते थे पहले, यहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, यहाँ कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, ये देख लो सब हंस यहाँ पर कितने शान से और सुख से रह रहे हैं। फिर वहीं से मालिक ने दिखाया कि वो तेरा ब्रह्मा का लोक, वे विष्णु का लोक, वो शिव का लोक, वो सितारे से दिखे आते हैं और वहां की तुलना में ऐसा दिखे जैसे गंदा स्थान होता है। रामानंद जी का मन हट गया कि ये तो बहुत बात बिगड़ गई। तब परमात्मा ने कहा कि जाओ नीचे। रामानंद जी की एकदम समाधि वापस आई, सोपन सा देखा करें, सामने देखा 5 वर्ष की आयु का वही बालक जो का तुम सामने बैठे हैं और इसी रूप में सतलोक में देखे, तो क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हारे, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, गरीबदास हम कारण तुम उतरे हो मगजोए, कोट कोट सिजदा किए है कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तो धाम, सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सर्वंग में तुम अवगत पुरुष कबीर, तावा चित चक्रित भया
देख्या फजल दरबारे गरीब दास सजदा किए है हम पाए दीदार। 104 वर्ष के वो ऋषि महर्षि 5 वर्ष के बालक धानक जुलाहे को क्या कहते हैं, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि और भ्रम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वासे, तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंसे, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंशे, मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंदना से, गरीब दास अवगत मिले मेरे मिटगी मन की बांश, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीब दास मुक्ता भय है मेरे उदरे पेंड और प्राण। 104 साल का वो वृद्ध महर्षि को आव था, नौके लगे मेरा तो बालक के सा ज्ञान है, बालक बुद्धि हूं और तुम मेरे स्वामी हो, आप मेरे दाता मेरे मालिक हो मेरे गुरु हो। तब परमेश्वर ने कहा स्वामी जी पूरी ज्ञान से परिचित करा के तुम मेरे गुरु बने रहो जनता की दृष्टि में और भक्ति करो जैसे मैं कहूं, तेरा कल्याण होगा। और क्योंकि आने वाले समय में यदि मैं गुरु नहीं धारण करूंगा तो मेरे बच्चों को फेल कर देंगे काल के दूत, यूं कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की क्या आवश्यकता है। और नियम यह है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु वो तारे से इसके भाई परमात्मा ने, कबीर जी ने गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद से लख गुरु ये तारे से इसके भाई और चेलना की द गिनती नहीं जो पद्म रह समाए, रामानंद जैसे गुरु जो लाखों को उनको शिष्य बनकर उनका उद्धार कर दिया और शिष्यों की द गिनती नहीं जो इस मालिक के चरणों में इस विधि को आखिरी सांस तक अपनाए रखेंगे, चेलों की गिनती ने जो पद में रह समाए यानी इस भक्ति पर लगे रहेंगे इसे बाहर ना जाएंगे तो चेला ने तो पता ना कितने अनपार करेंगे। बोलो सतगुरु जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।